इसराइल और हमास युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंगी मैदान में तब्दील कर दिया है। इस जंग से गाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, इजरायली सेना की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इजरायली सेना जितना गाजा के अंदर बढ़ रही है, उसे प्रतिरोधी समूहों के जबरदस्त हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला अपने हमलों से कहर बरपा रहा है। हिजबुल्ला के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजरायली सैन्य बलों को संभालने का मौका भी नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समूह एकजुट होकर इजरायली बलों को झका रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाले सेना के खिलाफ लड़ाई और घात लगाकर हमले करना जारी रखा है। मौजूदा समय में गाजा से लगा अल शुजैया आईडीएफ और फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए युद्ध का मैदान बना हुआ है। अल कुद्स ब्रिगेड का लगातार वार इजरायली बलों पर तीसरे दिन भी जारी है। अल मयादीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी प्रतिरोध अल शुजैया पड़ोस में कब्जे वाले सेना को घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यहां दोनों बलों के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही है और इसी कड़ी में फिलिस्तीनी प्रतिरोधी सैन्य यूनिट अल कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि हमारे लड़ाकों ने अल शुजैया में इजरायली कब्जे वाले कमांड सेंटर के साथ साथ इजरायली सैनिकों के समूहों और सैन्य वाहनों को मोर्टार के गोले से निशाना बनाया। इसके साथ ही अल कुद्स ब्रिगेड ने अल शुजैया में इजरायली बख्तरबंद सैन्य वाहनों पर टेंडम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागा, जिससे उसमें आग लग गई और इसके चालक दल के सदस्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। अल कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि इन जख्मी सैनिकों को बचाने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर हमले वाली जगह पर उतरा और जवानों को रेस्क्यू किया, और एक इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य हेलीकॉप्टर ने अल शुजैया में घायल दो सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया है। साथ ही मीडिया ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में 22 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। वहीं हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने बताया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के साथ कब्जे वाले इलाके में जंग लड़ी, जिसमें आईडीएफ के जवान घायल हुए। साथ ही अल कसम ब्रिगेड ने गाजा शहर के पूर्व में अल शुजैया में बगदाद स्ट्रीट पर इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों के ग्रुप पर मोर्टार गोले भी दागे। इस बीच अल कुद्स ब्रिगेड ने पुष्टि की कि उसके लड़ाकों ने एक इजरायली सेना को मार गिराया, जिसे पड़ोस में एक इमारत के अंदर एक सुरंग में फंसाया गया था, जिसमें इजरायली कब्जे वाले जेट द्वारा पहले से दागी गई एक बिना फटी F-16 मिसाइल पड़ी थी। अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने अल शुजैया में इजरायली सैन्य वाहनों के जमावड़े को मोर्टार और एंटी आर्मर गोले से निशाना बनाया। इसी तरह अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने बताया कि उसके प्रतिरोधी सेनानियों ने एक इजरायली टैंक को एंटी आर्मर विस्फोटक से निशाना बनाया, जो कि टैंक और उसके चालक दल पर सीधे जा गिरे। इसके अलावा नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड शहीद उमर उल कासिम फोर्सेस ने कहा कि उसके लड़ाकों ने ट्यूनिशियाई कब्रिस्तान में पश्चिमी इजरायली कब्जे वाले बलों पर मोर्टार गोले और कम दूरी के रॉकेट वाले हथियारों से निशाना बनाया, और अभी भी अल शुजैया में आईडीएफ और प्रतिरोधी समूहों के बीच जंग छिड़ी हुई है।